एपी का मतलब है और अधिक पाप, और शराब घोटाले का पाप जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने किया है उसका तथ्य दिन प्रतिदिन सामने निकल कर आ रहा है। वैसे तो ये कहते हैं हम कट्टर ईमानदार है, परंतु आज तक विजय नायर या मनीष सिसोदिया, इन दोनों तथाकथित कट्टर ईमानदारों को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। यहां तक कि खुद कांग्रेस पार्टी जो उनकी समर्थक पार्टी है वो भी कहती है कि इन पर कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल सही है और शराब घोटाला हुआ है। आज रिपोर्ट कार्ड देने के बदले इस भ्रष्टाचार पर फिर से एक बार आम आदमी पार्टी विक्टिमहुड कार्ड खेल रही है, ड्रामा का कार्ड खेल रही है। इस पूरे घोटाले में दो लोगों ने अप्रूवर बनने का काम किया है, उसमें से एक है दिनेश अरोड़ा। वही दिनेश अरोड़ा जो मनीष सिसोदिया के साथ भी दिखाई देते हैं, जिनके बड़े बड़े नाइट क्लब और बार भी है, और जिनके साथ संजय सिंह का सीधा सीधा कनेक्शन है, और किस प्रकार से संजय सिंह ने उन्हें मनीष सिसोदिया से मिलाने का काम किया और पैसे इकट्ठा करवाने के काम किए, ये सारी बातें सामने आ चुकी है। और वही पैसे किस प्रकार से चुनावों में दिल्ली से लेकर अन्य राज्यों तक इस्तेमाल किए गए, अब तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी आ चुका है कि ये शराब घोटाला किस प्रकार से हुआ, क्या मोडस ऑपरेंडाई थी, किस प्रकार से ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर तक जाता है, और किस प्रकार से मनीष सिसोदिया तो इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं ही, परंतु इसके साथ साथ पूरी दिल्ली सरकार इसमें शामिल है। और दिल्ली सरकार ने स्वयं ये माना है, क्योंकि उन्होंने नई पॉलिसी को हटाकर पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम किया है। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, आज रिपोर्ट कार्ड देना होगा। अगर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है जैसे आम आदमी पार्टी बताती है, तो कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन कर रही है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को सही बता रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अब अपना स्टैंड चेंज करेगी? दूसरा, क्या 2.5% कमीशन 12% किया गया था, नहीं किया गया था? क्या कोविड के पीक काल में जब आपको दिल्ली की जनता की सेवा करनी थी तब आपने एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे कि शराब घोटालेबाजों को इसका फायदा हो, करोड़ों रुपए उनसे ऐंठे? इसके स्टिंग ऑपरेशन भी आ चुके हैं, इसके अलावा कई सारे दस्तावेज और सबूत भी सामने आ चुके हैं। कैसे बड़ा मुनाफा दिलवाया गया शराब घोटालेबाजों को, ये भी सामने आ चुका है। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को शो कॉज दिया गया परंतु उन पर कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं। इन प्रमाणों का जवाब देने के बदले केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा, आज रिपोर्ट कार्ड देना है भ्रष्टाचार का।